मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण बेहद भीषण होता जा रहा है। जैसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो नेताओं में खलबली मच गई। नेताओं को टिकट नहीं मिला तो समर्थकों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। विरोध की ऐसी ही एक तस्वीर ग्वालियर से भी सामने आई है, जहां पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गोयल के समर्थकों का हंगामा महाराज के महल तक जा पहुंचा, लेकिन जब महाराज सिंधिया ने मुन्ना लाल गोयल को समझाइश दी तो उनके तेवर नरम पड़ गए। पहले उन्होंने माया सिंह का विरोध किया, लेकिन अब वो उनके समर्थन में दिखाई दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेज की तकरार, पार्टियों में हाहाकार, चुनाव से पहले टिकट पर घमासान। माया सिंह को मिला टिकट तो गोयल समर्थकों ने किया हंगामा। महाराज के सामने मुन्ना लाल गोयल ने किया सरेंडर। महाराज ने दी समझाइश, अब किया समर्थन। पार्टी को कितना फायदा कितना नुकसान, देखिए एमकेएन न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा को चुनाव से पहले अपनों से ही दो दो हाथ होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी कर दी है। हालांकि कुछ का टिकट कट चुका है, जिसमें ग्वालियर के मुन्ना लाल गोयल भी शामिल हैं। सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल का जब ग्वालियर पूर्व विधानसभा से टिकट कटा तो उनके समर्थक नाराज हो गए और महल के बाहर जाकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के बाद मुन्ना लाल गोयल ने अपनी नाराजगी को भुला दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा के बाद मुन्ना लाल गोयल ने कहा है कि मेरा टिकट कटने के बाद मेरे समर्थकों में आक्रोश था, जिसके कारण वे महल तक पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन किया। मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि मेरी किसी से कोई परेशानी नहीं है, न माया सिंह से न सिंधिया जी से। केवल 3 साल मैंने जो मेहनत की और उसके बाद मुझे टिकट नहीं मिला, इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश रहा। जिस तरीके से पिछले 3 साल में इस विधानसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी और मेहनत के बाद कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि निश्चित तौर पर जो जनता लड़ाई लड़ रहा है, जो लगातार 3 साल से मेहनत कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलेगा। लेकिन देखा यह गया, जो लोग 3 साल में कहीं गए नहीं जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया। इससे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में एक बड़ा आक्रोश व्याप्त हुआ। ये सही है, हम भाजपा के सदस्य हैं, माननीय नेता सिंधिया जी हैं। कल गांधीवादी तरीके से सारे कार्यकर्ताओं ने महल जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध किया, नेता से अपनी बात कही। नेताओं ने भी कहा कि हम आपके इस विचारों पर पूरी बात हम हाईकमान तक पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार शहर में जो अफवाहें चल रही थी कि मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, आप में जा रहा हूं, बीएसपी में जा रहा हूं, इस प्रकार की रूमर शहर में चल रही थी, उससे 3-4 दिन से बाजार गर्म था। तो मैंने इतना कहा कि हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम भाजपा में हैं, हमारे नेता सिंधिया जी हैं, अपने साथ कोई अन्याय हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ, हम उसकी लड़ाई अपने दल के अंदर लड़ेंगे, नेता से लड़ेंगे, हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार को डांग डलना है तो अपनी बात नेता से कहेंगे और पार्टी के अंदर कहेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम नेता के साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह ने कहा कि मुन्ना लाल गोयल हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। देखिए, ये तो ऐसी चीज है, दायित्व वाली है। पार्टी ने भरोसा जताया है, मैं अपने पार्टी की आभारी हूँ। महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं, चिंता करके उनको आगे बढ़ाती हैं। और अब ये जो दायित्व मुझे दिया है, उस दायित्व को जन अपेक्षाओं के अनुरूप निभाऊंगी, ये मैं वायदा करती हूँ। और कोशिश ये करूँगी कि मैं उनकी अपेक्षाओं में कोई मेरी कसर न रह जाए, और उनकी भी के मन में जो भी बात है कोई नेगेटिव मेरे मन में कुछ नहीं है। मुन्ना लाल जी मुझे परिवार के जैसे हैं, मैं उनको सम्मान करती हूं। और अभी भी ऐसा नहीं है, अब उन्होंने जो भी कुछ कह दिया वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे अपने हैं। तो ग्वालियर सहित कई जिलों में चुनाव के पहले बीजेपी को अपनों की ही बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी को चुनाव में कितना मुनाफा कितना नुकसान उठाना होगा। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट।